नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप सभी का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं वास्तु के कुछ छोटे छोटे उपाय लेकर, जिनको करने से हमारे घर में धन संपत्ति पद मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, हमारे घर में शांति का माहौल रहेगा और दिन दुना रात चौगुना हम वृद्धि करते रहेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं, हर व्यक्ति के जीवन में 99% कर्म होते हैं, 1% भाग्य होता है। इस 1% भाग के लिए कहीं न कहीं यह जो वास्तु का रूप है, वास्तु के अंदर सुचारू रूप से अपने घर को व्यवस्थित रखने की रीति है, व्यवस्था है, इसको हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम आपको विदित हैं कि वास्तु के अनुसार जितनी भी दिशाएं हैं, हर दिशाओं में किसी न किसी देवता का आधिपत्य है। जब हर दिशा में किसी न किसी देवता का आधिपत्य होता है, उसके अनुसार हमें अपने घर को व्यवस्थित रखना पड़ता है। अगर हम उसके अनुसार अपने घर को व्यवस्थित नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे जीवन में समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं, और जिसको हम आप बखूबी समझ नहीं पाते हैं, लेकिन समझते समझते कुछ समय लग जाता है, फिर समझ पाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि हम आपको विदित हैं कि ग्रहों के राजा सूर्य होते हैं। जिस किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत होते हैं, जैसा कि सूर्य आत्मा के कारक होते हैं, जिस किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होते हैं, ऐसे व्यक्तियों का मनोबल काफी अच्छा होता है। उनका जो व्यापार हो या तो नौकरी पेशा हो, बहुत ही उत्तम होता है। साहसी होते हैं, बहुत निडर व्यक्ति होते हैं। लेकिन जिसके कुंडली में सूर्य कमजोर होते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में संघर्षरत रहते हैं, उनको संघर्ष करना ही पड़ता है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपका घर के आपके घर का जो मुख्य द्वार है पूर्व की तरफ है, इस ऐसी अवस्था में आपको अपने घर के दरवाजे के बाहर एक सूर्य की प्रतिमा अवश्य लगानी चाहिए। यदि अपने घर के दरवाजे के बाहर सूर्य की प्रतिमा लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जप तप करते हैं, तो भगवान सूर्य की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपका नाम, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, समाज में आपका सर ऊंचा रहेगा। यह छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत ही लाभकारी है। तो यदि इस उपाय को आप करते हैं तो सर्वप्रथम मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आपके लिए काफी हितकर रहेगा। दूसरा उपाय की बात करूं दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि नवग्रहों में शनि सूर्य देव के ही पुत्र शनि है, तो ऐसे अवस्था में आपको दूसरा उपाय यह करना है कि आपके घर के पश्चिम दिशा में एक शनि यंत्र जरूर लगाना है। आप अपने घर के पश्चिम दिशा में एक शनि यंत्र लगाइए, और जो इसके साथ में आपको करना है कि घर के बाहर, घर के मुख्य दरवाजे पे प्रतिदिन सुबह आपको एक लोटा जल गिराना ही गिराना है, जिससे भगवान सूर्य की कृपा आपको मिलेगी आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में। शनिदेव जैसा कि हम आपको मिथित है कर्मफल दाता है। जिस किसी के ऊपर साढ़े साथी चलती है, ढैया चलता है, किसी ग्रह के ऊपर कुदृष्टि पड़ जाती है तो क्या प्रकोप होता है, उससे हम आप सभी अवगत हैं, हम सब आप जानते हैं इसको। तो इसलिए अगर आप पश्चिम की दिशा में शनि यंत्र लगाते हैं और प्रतिदिन सुबह अपने मुख्य दरवाजे पे एक लोटा जल गिराते हैं, तो भी आपके घर में शांति रहेगी, आपका परिवार वृद्धि करता रहेगा, धन सम्मान प्रतिष्ठा हर जगह वह ग्रोथ करता रहेगा। तीसरा उपाय दोस्तों, आपको अपने घर में एक मुख्य कांच जरूर लगवाना चाहिए। मुख्य कांच आपके पूर्व दीवार या उत्तर की दीवार पर होना चाहिए। दोस्तों, कभी भी जब आप कांच लगवाएं, इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि एक कांच के सामने दूसरा कांच नहीं होना चाहिए, आमने सामने कांच नहीं होना चाहिए, आपके घर के मुख्य दरवाजे पर कांच नहीं होना चाहिए और बेडरूम के सामने भी कांच नहीं होना चाहिए। जब भी आप कांच लगवाएं, पूर्व या उत्तर की दीवार पर ही कांच लगवाएं, जिससे आपके घर में, आपके परिवार में शांति और इसके बाद संपन्नता बनी रहे। चौथे उपाय की बात करो दोस्तों, चौथा उपाय सबसे बेहद है और सबसे अहम है। घर का जो आपका किचन है हमेशा आग्नेय कोण में होना चाहिए, पूर्व और दक्षिण की दिशा में होना चाहिए। अगर संभवतः नहीं हो पा रहा है पूर्व और दक्षिण की दिशा में, तो जिस दिशा में भी आपका किचन बना हुआ है, उस वहां के अंदर, उस एरिया के अंदर आपका जो गैस है, जो आपका चूल्हा है, उसको ध्यान में रखिए कि वह हमेशा पूर्व और दक्षिण की दिशा की तरफ ही हो उस घर के अंदर। तो इससे भी आपको काफी लाभ मिलेगा और आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी। पांचवे उपाय की बात करूं दोस्तों, आपके अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक घोड़े का नाल जरूर टांग देना चाहिए। जब आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर घोड़े का नाल टांगते हैं, यह भी आपके भाग्योदय में, आपके कर्म में, आपके द्वारा जो भी कर्म किया जा रहा है उसमें फल की अधिकता करने के लिए काफी लाभकारी सिद्ध होता है।
तो यदि आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर घोड़े का नाल लगाते हैं, इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि जो उसका मुख है हमेशा नीचे की तरफ होनी चाहिए। घोड़े के नाल का जो मुख है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। इसे लगाने से आपके घर में परिचित कोई बुरी नजर नहीं लगेगी, कोई टोना टोटका भी नहीं हो पाएगा और वास्तु के अनुसार, वास्तु के अनुकूल आपका घर भी हो जाएगा। तो ये सब उपाय अगर दोस्तों आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ, आपके जीवन में, आपके साथ आपके परिवार में हमेशा उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी। तो दोस्तों नमस्कार, आशा करता है छोटी जानकारी आपको अच्छी लगे। अच्छी लगे प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा।